हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के यहाँ, और कौन सी सिस्टर उसको मैं वहीं पर जाके आपसे मिलाऊँगी। तो अभी हम वहाँ पर कोई जाएंगे, फिर आपको उससे भी मिलाएंगे, बिकॉज वहीं पर जाके आपको सारी अपनी बातें शेयर करेंगे, वहीं पर जाके आपको बताएंगे हमारे राज कैसे थे, राज रा और वगैरह वगैरह। सो आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको लेके चलेंगे अपनी सिस्टर के वहाँ। फाइनली मैं इससे मिल चुकी हूँ। ये Hello. है मेरी बेस्ट फ्रेंड, और बोल सकते हो बेस्ट सिस्टर, क्योंकि हम एक डांसिंग पार्टनर है। हम कहीं भी कुछ करते हैं तो साथ में करते हैं। यहाँ पर रह रहे हैं तो भी साथ में रह रहे हैं। ये भी मैं आई हूँ यहाँ नानी के घर, और अब ये मेरे साथ पार्टनरशिप करने के भी आ गई। और आज हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं? एक दिन प्रोग्राम बनाएंगे दीदी को जाने का, संडे। हाँ, हम अब प्रोग्राम बनाएंगे अपनी दूसरी दीदी के वहाँ जाने का, और देखते हैं संडे को हम जाएंगे, और फिर दूसरी दीदी से भी आपको मिलाएंगे जरूर। हाँ, क्योंकि वो भी हमारे घर के बहुत पास रहती हैं, तो वहाँ पर भी हम जाएंगे और आपको उनसे भी मिलाएंगे। सो हमारी जो गपशप है वो मैं यहाँ पर, मुझे आधा घंटा हो गया आई को, और पहले तो इसने मेरी फैमिली से मिला अभी। हाँ, अभी उनके साथ गपशप मारने में लगी थी इसकी, फिर मैं इसको जबरदस्ती बाहर उठा के लाया। नहीं, ये व्लॉग में नहीं आ रही थी मैडम, ये व्लॉग में नहीं आ रही थी। कह रही मुझे व्लॉग में मत लो। मैंने कहा तुझे लूंगी व्लॉग में, फिर मैंने इसको अपना इंट्रो वाला व्लॉग दिखाया, तब कह रही तब मैं आई हूं। तब कह रही चल चलते हैं यार, चलते हैं। सो आज मतलब मेरा मेन रीजन यहाँ पर आने का क्या था, मैं वैसे आज भी नहीं आने वाली थी, मेरा सामान आया था। हाँ, इस वजह से ये यहाँ पे आई है, वरना नहीं आती। मैंने इतनी बार इसको बोला नहीं यहाँ पे आ जा। कब बोला? जब तू पहली बार यहाँ पे आई थी, जब मैंने तेरे को सामान पकड़ाया था गुरुद्वारे के सामने। हाँ, हाँ, मैंने तेरे बोला था ना घर आ जाइए, तब आई तू, अब आई है तेरे को, अब टाइम। क्योंकि मेरा चश्मा मम्मी लेके चले गई थी, मैं चश्मा लेने के लिए आई, काम से आती है मेरे पास वैसे नहीं आती, दूसरा अपना ट्राईपॉड स्टैंड लेने के लिए आई, क्योंकि मुझे व्लॉग्स बनाने होते हैं और उसके लिए ट्राईपॉड स्टैंड नहीं था मेरे पास, और मुझे थोड़े रील्स वगैरह। और आपको दूसरी सिस्टर से मिलाती हूँ जो इसी की बहन है, मेरी इतनी नहीं पढ़ती है इसलिए ज़्यादा पढ़ती है, यानी कि गुरप्रीत के बेस्ट फ्रेंड से, और उसका नाम है गुरमन। सो गुरमन, जरा आप आएंगे हमारे व्लॉग में। सो ये है गुरमन, और वो है हमारी Hello. दूसरी सिस्टर, और ये मैडम टीचर है, और एक टीचर है, एक छोटे एक स्कूल में पढ़ाती है जो बहुत अच्छा है, और आपको यहाँ पर का रिव्यू दिखाऊंगी। हेलो, बाय बाय रमना, अब हम मिलेंगे कब? संडे को हम सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, अपनी दीदी के घर जाएंगे, अपनी दीदी के घर जाएंगे। अब देखते कितना प्लान सक्सेसफुल होता है और कितना नहीं होता है, लेट्स सी। बाय, घर पहुंच चुके हैं, अब हम चेंज करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो फाइनली मेरा चेंज हो गया है, और अब मैं खाने जा रही हूँ खाना, और आज फिर से मेरी फेवरेट सब्जी बनी है। आप कहोगे मेरी कितनी फेवरेट सब्जी है, बट हाँ, सबसे पहले तो आती है कटहल की सब्जी, दूसरे नंबर पे आती है केले की सब्जी, फिर आता है वड़ियों की सब्जी जिसको हम न्यूट्रेला बोलते हैं, ये तीन सब्जी मेरी फेवरेट है। फिर कुछ और सब्जी आएगी तो मुझे चलेगा, बट ये मेरी फेवरेट सब्जी, और ममता इसको बोलती है अमन की जान। सो ये सच में मेरी जान है, बिकॉज ये बहुत बनती है, हमारे घर में बहुत कम बनती है, और जब बनती है तो सबसे ज़्यादा मैं ही खाती हूँ, कोई नहीं खाता है इसको, सब खाते हैं सब लोग, सबको इतना पसंद नहीं होगा शायद से जितना मुझे पसंद है, वो कितना उसके बराबर किसी को भी पसंद नहीं होगा। अब मैं इसको खाती हूँ। हेलो एवरीवन, सो अब मैं शूट कर रही हूँ अपनी स्टैंड से, जिसका सेल्फी स्टिक से, और ये देखो यहाँ पर बैठा हुआ है ये महाशय, और आपको दिखाती हूँ नानी बैठी हुई है गंजी, ये देखिए ये है नानी। गुड मॉर्निंग गाइस, सो आज हो गया नेक्स्ट डे एंड वेलकम टू माय चैनल, और अब मैं पी रही हूँ दूध, और दूध हूँ मेरी मामी ने कितने बड़े गिलास में दिया है, ठीक है। और दूसरी चीज़, दूध तो हम रोज़ पीते हैं, बट आज एक अलग चीज़ बनी है जिसको हम पंजाब में बोलते हैं सोंड, और उसका टेस्ट, और जो हमारे घर में बनती है, बट पहली बात तो हमारे घर में बनती नहीं, अगर बनती है तो उसका टेस्ट इसके टेस्ट से मैच नहीं करता है। ये जो नानी बनाती है ना, इसका टेस्ट तो लाजवाब होता है। अब मैं दिखाती हूँ क्लोज से, ये देखो कितना प्यारा लगता है, ये बहुत इतना टेस्टी है ना, ये इसको खाते जाओ इसको खा के कभी बोर नहीं हो के, ऐसा वाला हाल है। सो
इसको मैं खाती हूँ, उसके बाद आपको आपसे मिलते हैं और फिर देखते हम क्या करते हैं। गाइस आपने भी देखा होगा कैसे मामा के घर की हालत कैसी हो रही है। पूरे घर में गेहूं गेहूं हो रहा है और अभी इसको समेटना वगैरह भी है, बट अभी थोड़े दिन तक इसको धूप लगेगी ताकि इसका बीज और अच्छा स्ट्रांग हो जाए। सो यस, अब आपको देखते हैं क्या दिखाएं, बिकॉज अभी तो मैं बाहर आई हूँ बिकॉज यहाँ पर शाम के टाइम में बहुत अच्छी हवा चलती है और शाम के टाइम पे थोड़ा बाहर निकल के अपने माइंड को फ्रेश करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मैं देखते हैं, मैं वॉकिंग करती हूँ उसके बाद फिर आप। सो मैं आपको एक चीज़ से इंट्रोड्यूस कराती हूँ, वो है घर के पके हुए केले, और वो ये है। मतलब जो हमें बाज़ार में मिलते हैं वो एंटायरली डिफरेंट शेप होता है, और मुझे पता चला है कि जो केले होते हैं उनकी भी दो डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, और एक ये है, एक तो जो बाज़ार में मिलते हैं वो वाली, और ये जो घर में लगते हैं केले उसका इसका जो ये ऐसा है कि इसमें जैसे बाज़ार वाले केलों में बहुत मीठा होता है ना, इसमें वैसा नहीं है, इसमें खट्टा मीठा स्वाद आता है और बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है ये। जैसे मतलब कोई भी खा सकता है इसको, और मैं इसको खाती हूँ। मैं कई दिनों से ढूंढ रही थी आने, कितने दिन पहले तोड़ के रखा था, बट मुझे दिखा ही नहीं, तो आज मुझे दिखा और मैं खाने लगी हूँ आज इसको, और बहुत टेस्टी है इसका टेस्ट। और अब अभी मैं बाहर आई हूँ और यहाँ पर इस ट्राली में सारा ये गेहूँ लोड हो रहा है क्योंकि अभी ये जाएगा कहीं ना कहीं बेचने के लिए। सो यस, आधा ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी बहुत बचा हुआ है। सो अभी देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, और आज मामी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, सो मामी को भी अच्छा कम्फर्टेबल फील कराते हैं और देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पर भी इंजन शुरू हो रहा है और शुरू होगा, फिर सारे पट्टे कुतरे जाएंगे ताकि ढोरों को डाल सकें। फाइनली मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ, होप यू लाइक दिस व्लॉग। और ये मेरा व्लॉग था, दो दिन का व्लॉग का मिक्सचर था। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए प्लीज़। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, बाय बाय एवरीवन।